14 फरवरी आते ही हर वर्ग के व्यक्ति के मन में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं। आमतौर पर इस तारीख को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस तारीख को वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में ये दिन प्यार वालों का दिन कहलाता है, लेकिन संत आसाराम बापू आश्रम की ओर से इस दिन को मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि भारतीय संस्कृति जीवित रहे। ये वो दिन है जब कई तरह के आयोजन किए जाते हैं। 14 फरवरी को दुनिया भर में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। इसे प्यार करने वालों का दिन माना जाता है। ये पाश्चात्य संस्कृति का हिस्सा है जिसे भारतवासियों ने भी अपना लिया। भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है कि प्यार करना गुनाह है, लेकिन प्यार का इजहार करने के लिए कोई दिन तय नहीं। इसी दिन प्यार का इजहार किया जाएगा, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि आज का भारतीय युवा वैलेंटाइन डे का बेसब्री से इंतजार करता है और इस दिन कई युवा और युवतियां अपने प्यार का इजहार करते हैं जो पूरी तरह पाश्चात्य संस्कृति को दर्शाता है। युवक युवतियां पाश्चात्य संस्कृति की ओर ना जाएं और भारतीय संस्कृति को अपनाएं, इसके लिए संत श्री आसाराम बापू द्वारा एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत की गई जो ये संदेश देता है कि हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखना है। इसीलिए 14 फरवरी को आसाराम बापू आश्रम की ओर से देश भर में मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है। इंदौर में भी मातृ पितृ दिवस आश्रम के मोहनदास लुधियानी के निर्देशन में आयोजित किया गया। एयरपोर्ट रोड स्थित नरसिंह वाटिका में 14 फरवरी को जो मंजर था उसे देखकर लग रहा था कि यहाँ पर सभी समाज और धर्म के लोग एकजुट हैं और वे भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए इस संदेशात्मक कार्यक्रम का हिस्सा बने। मातृ पितृ दिवस कार्यक्रम में आश्रम के रामा भाई ने माता पिता के बारे में बताया और बापू के संदेश लोगों तक पहुंचाए। जहां युवक युवती एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं, नरसिंह वाटिका में सैकड़ों की तादाद में बच्चे और युवक युवतियां अपने माता पिता के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित वैलेंटाइन डे का इस तरह से बहिष्कार किया जाना समाज में जागृति लाने के लिए बेहतर कदम है। इस तरह का कार्यक्रम पिछले कई सालों से आश्रम द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में पहुंचे बच्चों ने अपने माता पिता की पूजा की। ऐसा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि मंगल मूर्ति गणेश ने भगवान शिव और पार्वती की पूजा की थी। इससे ये जाहिर होता है कि माता पिता का क्या दर्जा है। आश्रम आयोजन समिति ने जो व्यवस्थाएं की थी उससे भारतीय संस्कृति के नजारे सामने आए। वैलेंटाइन डे पर बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन किया। कार्यक्रम में माता पिता के साथ बच्चे इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखें नम हो गई। उनकी आंखों से बहते आंसू ये बयां कर रहे थे कि अब भी भारतीय संस्कृति जिंदा है और वो पाश्चात्य संस्कृति से बेहतर है। बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन कर उन्हें तिलक लगाया और आशीर्वाद लिया। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी शिरकत की और भारतीय संस्कृति के साथ माता पिता का आदर करने का संदेश दिया। संत आसाराम बापू जी ने आज का दिन मातृ पितृ पूजन का रखा क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का वैलेंटाइन डे भी आज ही शायद लोग मनाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये भारतीय पाश्चात्य संस्कृति है और इसलिए इसको मातृ पितृ पूजन के रूप में मनाया जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे हमारे यहाँ प्रतिदिन मातृ पितृ पूजन होना चाहिए, होती भी है कई घरों में। जैसे हम लोग हमारे घरों में तो आज भी हम घर से निकलते हैं तो माता जी के चरण स्पर्श करके निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं हमारे घर से तो हमारे चरण स्पर्श करके निकलते हैं। पर ये घर के अंदर संस्कार होना चाहिए और इस संस्कार धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। आजकल हेलो डेट, हाय डेट, गुड मॉर्निंग डेट, अब जिंदे आदमी को डेट डेट बोलते हैं। तो एक ये जो संस्कार अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने के कारण बच्चों में आ जाते हैं। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ पर अंग्रेजियत का विरोधी हूँ। अंग्रेजियत हमारे यहाँ भारतीयता बहुत, भारतीय संस्कृति हमारी बहुत विशाल, बहुत महान और बहुत वैज्ञानिक संस्कृति है और इसलिए हमें उसी के आधार पर चलना चाहिए। कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य समाज के लोग अपने बच्चों के साथ शामिल हुए और बच्चों ने उनकी पूजा कर दुआ और आशीर्वाद लिया। मुस्लिम समाज की ओर से आए लोगों ने बताया कि वैलेंटाइन डे से हमारी संस्कृति खतरे में पड़ रही है। मुस्लिम समाज की एक बालिका ने कुरान की आयतों का अनुवाद कर बताया कि कुरान में अल्लाह ने माता पिता को क्या दर्जा दिया है कि उनमें से या दोनों में से एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनके सामने उफ तक ना कहना और उन्हें ना छिड़कना और ना उनसे बात अदब के साथ करना। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमा रहा है, मेरे अल्लाह ने कुरान शरीफ में माँ बाप का जिक्र कर दिया है। तो हम सब ये सोच सकते हैं कि जहाँ माँ बाप का जिक्र कुरान शरीफ में हो गया है तो माँ बाप का कितना बड़ा अदब और मतलब अदब का मकाम है। उसके बाद अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में आगे और फरमाता है कि और अजीजी से मनाइस से उनके आगे झुको, मतलब
मतलब अदब के साथ, अजीज से, मोहब्बत से उनके आगे झुको और उनके हक में दुआ करो। उनके हक में दुआ भी करनी चाहिए, यही नहीं कि हम अदब से पेश आए, पर हमें दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह उन्हें सेहत और सलामती अता करे। बाद उसके अल्लाह ताला फरमाता है, ए परवरदिगार, जैसे उन्होंने बचपन में मुझे शफकत से परवरिश की। अल्लाह ताला दुआ का तरीका कुरान करीम में बता रहा है कि जिस तरह से उन्होंने बचपन में मुझे शफकत से परवरिश किया है, तू भी उनके हाल पर रहमत अता फरमा। इसी प्रकार भाजपा नेता कमाल भाई ने भी अपने विचार रखे। सभी बच्चों का, वो एक बच्ची वहाँ रो रही थी, मैं देख रहा था सीन जिस वक्त आप बयान कर रहे थे महाराज साहब। उस बच्ची की आंखों में साधु थे और माँ बाप के लिए बहुत माँ बाप मना रहे थे, वो सीन मेरे करीब बैठने के मैं देख रहा था। मेरे दिल को बड़ी सी दर्द हुआ, बड़ी दिल को खुशी भी हुई। जब तक ये संस्कार, ये तरबियत, इसकी नेचुरलिटी अगर रूबरू नहीं होगी तो यकीन करना ये सिलसिला अंजाम की तरफ कभी नहीं बढ़ सकता है। इसके लिए ये एक छोटा सा मंच नहीं, इसको इतना बढ़ना चाहिए, इतना बढ़ना चाहिए, इतना बढ़ना चाहिए कि हकीकत सच बताऊँ, आज की हिंदुस्तान की जरूरत है माँ बाप की जरूरत है और माँ बाप के साथ अपने बच्चे की जरूरत है। मैं ज्यादा वक्त आपका लूंगा नहीं, लेकिन एक बात आपको मैं जरूर कह दूं कि जिस वक्त मां के पेट में एक बच्चा होता है, उस वक्त 9 महीने की तकलीफ, एक परवरिश, एक 9 महीने का सफर अगर एक पेट पे पत्थर बांध दो तो जिंदगी नहीं कट पाती है, इतनी तकलीफ होती है। 9 महीना क्या, 2 दिन नहीं रह सकता है, लेकिन 9 महीने अपने पेट में अपने बच्चे को रखकर उसकी पूरा ख्याल रखना, जी बैठना बैठना, सोना खाना पीना, एसिडिटी उल्टी, कितनी परेशानी आती है। उसके बाद में एक जब परवरिश होती है पेट के अंदर एक बच्चे की, और जिस वक्त उसका जन्म का वक्त आता है तो यकीन करना इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है कि जिस वक्त जन्म के टाइम तकलीफ होती है, एक जन्म माँ का भी होता है, एक जन्म बच्चे का भी होता है, तो दूसरी माँ की जिंदगी का भी सिला होता है। इस कार्यक्रम से ये प्रेरणा मिलती है कि माता पिता का स्थान क्या है और उनका कितना आदर किया जाना चाहिए। हमने यहाँ पर देखा है कि माँ बाप की ताजीम, माँ बाप की खिदमत के बारे में बच्चों को, सबको ये दर्स दिया जाता है कि असल प्यार जो है वो माँ बाप को मिलना चाहिए, क्योंकि माँ और बाप वह हैं जो पूरी ज़िंदगी कमाने के बाद में सिर्फ अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा सभी से कि माँ बाप की खिदमत करें, क्योंकि माँ बाप वो हैं जो अगर 4 शख्स हैं और खाने के लिए बैठे हैं, उस समय खाना कम है, तो वो माँ ही होती है जो कहती है कि मुझे भूख नहीं है। वो बाप जो कि सुबह से जाता है, दिन भर मजदूरी करता, दोपहर के वक्त में खाना भी नहीं खा पाता और ये सोचता है कि कुछ बचा कर ले जाऊंगा तो मेरे बच्चों के कुछ काम आएगा। तो असल में आज के दिन जो है कि माँ बाप का ही हक बनता है कि माँ बाप को प्यार दिया जाए, उनके हाथ में गुलाब का फूल दिया जाए, उनसे गले मिलना चाहिए, उनकी खिदमत करना चाहिए। सिर्फ मेरा यही कहना है। ये प्रोग्राम बहुत बेहतरीन लगा और ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि आने वाली नस्लें भटक रही है। अपन वैलेंटाइन डे के खिलाफ है, इसमें बच्चों को वो तालीम मिलती है कि नेक राह पे चले, और ये प्रोग्राम से ये जाहिर होता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप उसका दरवाजा है। मेरा नाम अब्दुल हमीद खान। इस अनूठे कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कार्यक्रम की तारीफ की। कार्यक्रम हुआ, सभी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद थे, आपने क्या फील किया इस चीज को? नहीं, एक अच्छा आयोजन है, संदेश देने वाला आयोजन है, और आजकल हमारे यहाँ थोड़ा अंग्रेजियत बच्चों पर हावी होती जा रही, तो माता पिता के चरण स्पर्श करना ये अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। तो मुझे लगता है कि माता पिता के चरण स्पर्श करना, माता पिता को भगवान तुल्य मानना ये आवश्यक है, और ये हमारी संस्कृति और परंपरा रही है। धीरे धीरे ये अंग्रेजी माध्यम ने अंग्रेजियत बच्चों में पैदा कर दी, तो हाय डैड, हाय मम्मी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करने लगे हैं बच्चे। मैं समझता हूँ कि वास्तव में भारतीय संस्कृति तो यही है कि माता पिता की सेवा करो, उनसे आशीर्वाद लो, और एक अच्छा कार्यक्रम है यहाँ पर विधान समिति के द्वारा चल रहा है, मैं बधाई देता हूँ। जिस तरह का कार्यक्रम संत आशाराम बापू आश्रम द्वारा किया गया, यदि इसी तरह के कार्यक्रम अन्य संस्थानों द्वारा किए जाते हैं तो निश्चित तौर पर भारत के युवक युवती भारतीय संस्कृति को नजदीक से देख और समझ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़।